रिकॉर्ड। ट्राइंगल, सभी को पता है, चलो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज बताओ। व्हाट इज अ ट्राइंगल? ट्राइंगल क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, एंड इसकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये आपने 6th या 7th क्लास में पढ़े हैं। ट्राइंगल क्या होता है और इसके एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? थ्री साइडेड फिगर, आस्था, थ्री साइडेड फिगर कैसी? लेट मी शो यू। थ्री साइडेड फिगर है, इज इट अ ट्राइंगल? देन यस पीयूष, क्लोज्ड फिगर, ठीक है, थ्री साइडेड होता है बट क्लोज लिखोगे आप। इट हैज थ्री साइड्स, साइड्स एजेस एक ही बात, एंगल्स। प्लेन फिगर बिल्कुल टू डायमेंशनल होती है, थ्री स्ट्रेट साइड्स होती है एंड थ्री एंगल्स होते हैं। यस संस्कृति, एंड थ्री डिफरेंट टाइप। हाँ, ट्राइंगल्स के टाइप्स हम यहाँ पर अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसका हमारा इस चैप्टर से कुछ खास लेना देना नहीं है, जब आएगा तब मैं बताऊंगा। फिलहाल हम नॉर्मली जो ट्राइंगल होते हैं, जनरली जो सभी की प्रॉपर्टीज होती है, हम उनको डिस्कस करेंगे। तन्वी, सभी 60 डिग्री के एंगल्स हों ये जरूरी नहीं है, डैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल होता है। सभी ट्राइंगल्स के एंगल्स 60 डिग्री के हों नॉट पॉसिबल, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी, सॉरी, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी। चलो ठीक है, लेट मी शो यू। बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट, हाइट सभी ट्राइंगल की पता हो ये भी जरूरी नहीं है। देखो उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ लुक एट योर स्लाइड्स एंड प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। कोई भी ऐसी बाउंडेड, ऐसी फिगर जो थ्री साइड से बाउंडेड हो, मीन्स क्लोज्ड हो थ्री लाइन सेगमेंट से, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। सपोज वी हैव दिस ट्राइंगल ए बी सी, तो इस ट्राइंगल में वी हैव थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस। वर्टिसेस किसे कहते हैं, क्या किसी को पता है? व्हाट आर वर्टिसेस या वर्टेक्स? नॉर्मल लैंग्वेज में बता सकते हैं, यू डोंट नीड टू डिफाइन मी। वर्टेक्स एक्चुअली होते क्या है? नो, एजेस तो बच्चे साइड होती है, साइड्स को हम एजेस बोलते हैं। यस आदित्य, एक्चुअली कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स होते हैं जहां पर दो साइड्स आकर इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं ट्राइंगल का, वर्टिसेस। सो कॉर्नर्स ऑफ ट्राइंगल जिनको हम वर्टेक्स बोल रहे हैं वो कितने हैं? इसमें थ्री हैं, नेम्ड ए बी सी। एक ए पॉइंट है जहां पर दो साइड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल। एक बी पॉइंट है जहां पर दो साइड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल। एंड सी पॉइंट है जहां पर दो साइड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल। सो वी हैव थ्री वर्टिसेस, सिंगुलर वर्टेक्स होता है, प्लूरल वर्टिसेस होता है। वी हैव थ्री साइड्स नेम्ड ए बी, बी सी एंड ए सी और सी ए। वी हैव थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस ट्राइंगल। एंड इसका जो बीच का पार्ट होता है, जो बाउंडेड है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस बाउंडेड पार्ट को हम क्या बोलेंगे? लेट मी शेड दिस वन। ये जो ब्लू पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? यस सौम्या, करेक्ट। ये ब्लूइश पार्ट जो है, जो अंदर अंदर है, नॉट बाहर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? यस पीयूष, यस आदित्य, यस आस्था, गुड। इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। यस तन्वी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स थ्री साइड से बाउंडेड जितना भी कवर्ड एरिया इसके अंदर है, दैट इज यस संस्कृति, यस वंश, एरिया ऑफ ट्राइंगल, गुड।
ये तो आपको सबको पता होगा, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है, मींस एरिया का आंसर हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर इसमें आता है, कभी क्यूब नहीं आएगा, कभी सिंगुलर लीनियर नहीं आए नहीं आएगा, सभी को पता है। गुड, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नाउ पेरीमीटर सभी को पता है, सपोज ये एक ट्रायंगल है जिसकी थ्री साइड्स हैं, ए बी एंड सी। इसकी जो लेंथ है वो ए है, इसकी लेंथ बी है और इसकी लेंथ सी है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? इफ वी हैव मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। हाँ ये वंश, वेरी गुड। बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम, आज तो बच्चे थोड़ी देर रुको, फिर अब लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। यस तन्वी, तो इस केस में अगर आपको ए बी और सी दिए हुए हैं तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इफ यू हैव मेजरमेंट्स, ए बी की मेजरमेंट ए है, बी सी की मेजरमेंट बी है एंड ए सी की मेजरमेंट सी है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। यस, सो द पैरामीटर इज ए प्लस बी प्लस सी। और इस चैप्टर में हम, हमें जो काम पड़ता है हेरोंस फॉर्मूला में, हमें सेमी पैरामीटर का काम पड़ता है। सेमी सेमी का मीनिंग क्या होता है बताओगे? आप तो क्रिकेट मैच भी देखते हो, बॉयज मोस्टली, गर्ल्स भी देखते हैं। हाँ, सेमी का सेमाई या सेमी मीन्स हाफ। तो जो सेमी पेरीमीटर होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, एस। तो सेमी पेरीमीटर का मीनिंग हो जाएगा पेरीमीटर का हाफ, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। जहां भी आपको इस चैप्टर में एस दिखाई दे, समझ जाओ वो सेमी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। एंड सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू। पेरीमीटर को 2s से डिफाइन करते हैं, 2s का मीनिंग है पूरा पेरीमीटर, और 2 जब दूसरी साइड में चला जाएगा तो वो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। ये चीज आपको लिख लेनी है, यही इसमें काम आएगी, सेमी पेरीमीटर। अगेन वी नीड सेमी पेरीमीटर टू कैलकुलेट एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला। सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। गॉट इट? किसी को इसमें कंफ्यूजन है कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है? प्लीज बोलिए। सेमी पैरामीटर का सबको कॉन्सेप्ट पता चल गया? सेमी पैरामीटर मींस पैरामीटर का हाफ। इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर ओनली आज था। यस, एस एक देखो एस एक वेरिएबल ही है अगेन, लेकिन इस चैप्टर में एस को सेमी पैरामीटर डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप एस जहां भी देखो वो सेमी पैरामीटर होगा, बट इस चैप्टर में मोस्टली एस का मतलब होगा सेमी पैरामीटर। फाइन, पीयूष बताओ क्या रिपीट करना है। देखो सेमी पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी हमें फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए, और सेमी पैरामीटर होता है तीनों साइड्स का सम अपॉन टू। ये याद रखना है आपको, सेमी पेरीमीटर मींस पेरीमीटर का हाफ, दैट्स इट। ठीक है, नाउ हेरॉन्स फॉर्मूला। देखो हेरॉन्स फॉर्मूला एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सपोज करो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है, यस सिर्फ ट्रायंगल का वंश और किसी का नहीं, हाइट ऑफ ट्रायंगल दी हुई है, नहीं, हाइट ऑफ ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर्स एंड बेस आपको दिया हुआ है, बेस ऑफ ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग बेस इसको बोलते हैं 6 सेंटीमीटर्स। ये 5 सेंटीमीटर से हाइट
और ये 6 सेंटीमीटर से, तो इसका एरिया क्या होगा बताइए जरा। व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? हाइट है 5 सेंटीमीटर, बेस है 6 सेंटीमीटर। सॉरी फॉर राइटिंग, मेरा हाथ थोड़ा, जो बोर्ड है वो इधर उधर रखा हुआ है तो ठीक से नहीं लिखा जा रहा मुझसे। ठीक है तन्वी, यस वंश, यस, सभी के आंसर करेक्ट हैं, गुड। यस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर यूजिंग हाफ बेस इनटू हाइट, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ बट व्हाट इफ, अगर मैं आपको एक ट्राइंगल दूं, यू हैव दिस ट्राइंगल, ट्वेल्व सेंटीमीटर्स, 11 सेंटीमीटर्स, 9 सेंटीमीटर्स, इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, यू डोंट नो हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, यू जस्ट नो ऑल थ्री साइड्स, स्केलेन ट्राइंगल है, सो इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसमें तो हाफ बेस इंटू हाइट नहीं आप लगा सकते बिकॉज यू डोंट नो हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। हाइट का मीनिंग क्या होता है? ऑल्टीट्यूड, यहाँ पर ऑल्टीट्यूड दिया ही नहीं है, इसकी हाइट दी ही नहीं है, सो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एग्जैक्टली, तो स्केलेन ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हेरोंस ने ये फॉर्मूला बनाया था। आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, आप इजीली हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हो। आपके पास में एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका ऑल्टीट्यूड पता है, आप हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हो। बट इफ यू हैव स्केलेन ट्राइंगल, यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला बिकॉज यू डोंट नो द हाइट ऑफ ट्राइंगल, सो वी नीड टू यूज हेरोंस फॉर्मूला। इस केस में हेरोंस ने फॉर्मूला डेराइव किया था, आपको डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे डेराइव किया था, कहाँ से आया था और किस तरह से ये फॉर्मूला बना था, दैट्स नॉट इन योर कोर्स। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूले के लिए आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। हेरोन जो थे, ही डेराइव दिस फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ थ्री साइड्स। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ स्केलेन में काम करेगा, ये किसी भी ट्राइंगल में काम करेगा, बस आपको उसकी थ्री साइड्स पता होनी चाहिए। अगेन, थ्री साइड्स पता होनी चाहिए, नॉट ऑल्टीट्यूड और समथिंग, थ्री साइड्स ही पता होनी चाहिए। वेदर इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, या फिर स्केलेन ट्राइंगल, या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो आप इसका यूज कर सकते हो, आपको थ्री साइड्स की मेजरमेंट्स पता होनी चाहिए। सो सपोज करो ये एक ट्राइंगल है जिसकी थ्री साइड्स हैं ए बी सी। तो सबसे पहले हाँ, फुल स्केलेन ट्राइंगल है, फुल स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है बच्चे, पहले तो मुझे ये नहीं पता। स्केलेन ट्राइंगल इज स्केलेन ट्राइंगल, हाफ नहीं वो फुल ही होता है, किसी भी ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हो। अगेन, आपको थ्री साइड्स पता होनी चाहिए। इफ यू नो थ्री साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, डजंट मैटर वो किस टाइप का ट्राइंगल है। ओके, सेमी और फुल ट्राइंगल नहीं होता बच्चे, यहाँ पर वो सेमी पेरीमीटर का मतलब है। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। जब आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। ट्राइंगल सेमी और फुल नहीं होता है। अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको पूरे ही ट्राइंगल का करना है। सेमी का करना है तो पूरे का ही फाइंड आउट करो, उसका हाफ कर दो। ओके, बट उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यू नीड सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? थ्री साइड्स को ऐड करके टू से डिवाइड कर देंगे। फाइन, उसके बाद में ये फॉर्मूला है जो उन्होंने बताया था। एस का मीनिंग यहाँ सेमी पेरीमीटर है, तो यहाँ सेमी पेरीमीटर की वैल्यू पुट करोगे। ए का मीनिंग है फर्स्ट साइड, बी का मीनिंग है सेकंड साइड, सी का मीनिंग है थर्ड साइड। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एस इज सेमी पेरीमीटर, मेथड ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला। सबसे पहला जो स्टेप होगा, सी ये स्टेप्स आप लिख सकते हो, इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, देन टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला यूज द फॉलोइंग स्टेप्स।
सबसे पहला स्टेप है कंसीडर गिवन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज ए बी सी। जो भी साइड्स दी हुई हैं उन्हें ए बी एंड सी से आप डिफाइन कर लो। अभी इसके एग्जांपल दूंगा और क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड स्टेप क्या होगा, फाइंड आउट सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू होगा, मीन्स तीनों साइड्स का सम अपॉन टू। एंड थर्ड स्टेप, ये फॉर्मूले में आप ये वैल्यूज पुट कर दोगे, एस के प्लेस पर एस की वैल्यू, ए के प्लेस पर फर्स्ट साइड, बी के प्लेस पर सेकंड साइड एंड सी के प्लेस पर थर्ड साइड। दैट्स इट एंड यू विल गेट योर आंसर। अब एग्जाम्पल देख लो इसका और समझ आ जाएगा। सी, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 52, 56 एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यू हैव थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। सो पहला स्टेप क्या था, इनको ए बी और सी कंसीडर कर लेते हैं। सो हमने पहली साइड को ए, आप किसी को भी ए बी सी कंसीडर कर सकते हो। मैंने फर्स्ट साइड को ए कंसीडर कर लिया, सेकंड साइड को बी एंड थर्ड साइड को सी। ये इसलिए कर लेते हैं सो डेट जब हम फॉर्मूला यूज करें तो उसमें वैल्यूज पुट करने में हमें कंफ्यूजन ना हो, बस इसलिए। आप नहीं भी कंसीडर करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको वैल्यूज करेक्ट प्लेस पर करेक्ट वैल्यू ही प्लेस करनी है। सो बेटर है कि आप पहले ही डिफाइन कर लो, ए की वैल्यू 52, बी की वैल्यू 56, सी की वैल्यू 60। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, आपको सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करना है। सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको तीनों साइड्स को ऐड करना है और टू से डिवाइड करना है। इस तरह से हमने ए के प्लेस पर ए की वैल्यू 52, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू 56, सी के प्लेस पर सी की वैल्यू 60 पुट करी, उसको टू से डिवाइड किया। सो वी गेट 84। यस, 168 ओवर टू, दैट इज 84 सेंटीमीटर। ये एस की वैल्यू है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर है ये इसका। स्टेप टू से बच्चे सेमी पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर नहीं सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो ये है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन हम उसका हाफ कर रहे हैं तो डेट इज सेमी पेरीमीटर। स्टेप टू से आपके पास एस की वैल्यू आएगी विच इज सेमी पेरीमीटर। फाइन, क्लियर? किसी को कोई यहां तक डाउट है प्लीज एक बार पूछ लो यहीं तक, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, इट्स क्लियर, गुड। बस थर्ड स्टेप में आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी। एस के प्लेस पर एस की वैल्यू, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू, एस के प्लेस पर एस की वैल्यू, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू, एस के प्लेस पर एस की वैल्यू एंड सी के प्लेस पर सी की वैल्यू। वैल्यूज पुट करते हैं, एस के प्लेस पर 84, देन एस माइनस ए था तो 84 माइनस 52, एस माइनस बी था तो 84 माइनस 56, एस माइनस सी था तो 84 माइनस 60। गॉट इट? अब इसको सॉल्व कर लोगे आप ब्रैकेट्स के अंदर। जब आप सॉल्व करोगे 84 माइनस 52 32 होता है, 84 माइनस 56 28 होता है, 84 माइनस 60 24 होता है। स्क्वायर रूट करोगे मींस इसके छोटे छोटे फैक्टर्स कर लोगे। यहां से आप खुद कर सकते हो चाहो तो। आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आता है, रूट से वैल्यूज कैसे बाहर आती हैं आप सबको पता है, सभी को पता है, 8th क्लास में बताया कि रूट से बाहर वैल्यूज कैसे आती हैं जब उनके पेयर बन जाते हैं। पेयर बनाने के लिए आप इनके छोटे छोटे फैक्टर्स कर सकते हो। नॉट कॉमन, आपको फैक्टर्स करने होंगे बच्चे, छोटे छोटे फैक्टर करके उनके पेयर बनाने होंगे। जैसे 84 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 84 के फैक्टर्स बताओ, 12 7 84 होते हैं, ये तो होंगे 84 के फैक्टर्स। 32 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, देन 28 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 2 into 7, देन 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 2 into 2 into 3। और फिर इसमें से बस आप पेयर बना लोगे, जैसे 3 का एक पेयर बनेगा, आपका चैटिंग बॉक्स मुझे इधर उधर करना पड़ रहा है, 3 का एक पेयर बना तो
तो एक थ्री बाहर आ जाएगा। दो एक पेयर का एक ही एलिमेंट बाहर आएगा, टू का एक पेयर बना तो ये टू बाहर आ गया, सेवन का भी एक पेयर बना तो एक सेवन बाहर आ गया, टू का एक और पेयर बना तो एक और टू बाहर आ गया, एक और टू का पेयर है तो एक और टू बाहर आ गया, एक और टू का पेयर है तो ये भी टू बाहर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से एक ये टू का पेयर बन रहा है तो इसका टू बाहर आया, और इसका टू बन का पेयर बन रहा है तो ये बाहर आया, और इनको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट योर आंसर। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है, रूट से कैसे बाहर वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो आप 8th क्लास का एक बार चैप्टर कर लो, सुखी रहोगे। तो बस ये आपका आंसर आ गया। दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स गिवन है। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इन स्टेप्स में से किसी को कोई भी इश्यू है तो बताओ, कि सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना है, या वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है, या एबीसी क्या है? कुछ भी डाउट है नहीं वैसे, इसमें कुछ भी डाउट के लायक, बहुत इजी क्वेश्चन है। जहां पर ए है वहां पर फर्स्ट साइड रखनी है। एग्जाम्पल क्या यश, विच एग्जाम्पल? एग्जाम्पल में क्या डाउट है ये पूछो बच्चे, पूरा एग्जाम्पल कहाँ पर प्लस किया है वो समझ नहीं आया, ये तो नहीं हो सकता। सो डाउट क्या है वो पूछो आप, कि एस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, या फिर हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है। बट बच्चे मुझे तो प्रैक्टिस है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सबके ही फैक्टर्स कर सकता हूँ, दीज आर स्मॉल वैल्यूज, तो इतना तो आपको याद रहता है। सी आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी कर लोगे। 84 के सबसे पहले मैंने मन में फैक्टर करे कि 12 7s are 84 होते हैं, फिर 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 4s are 12 होते हैं, फिर 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 2s are 4 होते हैं। इस तरह से माइंड में कैलकुलेशन करोगे, लेकिन आप अभी परफेक्ट नहीं हो तो बेटर है आप रफ में करके देख लो। जब आप करते रहोगे बहुत इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद याद हो जाएंगे, फिर आप जल्दी जल्दी करना सीख जाओगे। उनको स्प्लिट करो और फिर करो। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसका मुझे एरिया फाइंड आउट करके दिखाओगे। अपना पेपर पेन ले लो, अगर आपके पास लेकर नहीं बैठे हो आप तो। छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ और आप ट्राई करके देखो, मैं व्हाइट बोर्ड पे देता हूँ जिससे कि मैं अभी आपको बाद में सॉल्व करके दिखा सकूँ। यू हैव अ ट्राइंगल, देखो क्वेश्चन में जब तक ये ना लिखा हो राइट एंगल ट्राइंगल है या कुछ है, आप अपनी तरफ से कंसीडर नहीं करोगे, चाहे वो दिख क्यों ना रहा हो। कई बार आपको फिगर में लगेगा अरे ये तो राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है यू कैन नॉट यूज राइट एंगल ट्राइंगल, आपको या तो प्रूफ करना पड़ेगा। सो जब भी आपको 3 साइड्स नहीं है तो बेटर टू यूज हेरॉन्स फॉर्मूला। यू हैव दिस ट्राइंगल एंड इसकी जो 3 साइड्स हैं वो हैं 7 सेंटीमीटर्स, देन वी हैव 9 सेंटीमीटर, देन वी हैव 14 सेंटीमीटर। 3 साइड्स हैं, ट्राई टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। सेम स्टेप्स को फॉलो करो, पहले सेमी पेरीमीटर एबीसी से डिफाइन करो, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करो, देन पुट वैल्यू इन हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला आप सबको याद हो गया होगा, नहीं तो आपने लिख लिया होगा, तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जल्दी जल्दी। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, जल्दी का मीनिंग ये नहीं है कि आप जल्दी से करने के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो, थोड़ा धीरे भी चल जाएगा बट सही होना चाहिए आंसर। इसका आंसर स्क्वायर रूट में ही छोड़ सकते हो अगर कोई वैल्यू रूट से बाहर नहीं आती है तो।
ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो 75 अगर रूट के अंदर आता है तो इसके फैक्टर्स होते 5 × 5 × 3, तो ये 5 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। तो जिस वैल्यू की पेयर नहीं बनते उसको हम रूट में ही छोड़ देते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा इन केस लास्ट में ऐसा हो तो। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, मैंने जस्ट एक पॉसिबिलिटी बता दी। कभी आप रूट की वैल्यू फाइंड आउट करने लग जाओ कि √3 की वैल्यू क्या होती है। और सभी को आंसर देना है जो भी क्लास में है, गलत सही आई डोंट केयर, आई जस्ट नीड योर आंसर। एंड अगर मुझे लगा कि किसी ने ऐसे ही आंसर दे दिया है तो मैं उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पर भी मंगा सकता हूँ। सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट कि कुछ भी बता देंगे, गलत हुआ तो क्या हुआ। आई नीड योर कैलकुलेशन एज वेल। सो रफ में कर रहे हो तो भी थोड़ा सा साफ ही करना इन केस आई आस्क यू फॉर योर सॉल्यूशन। ओके संस्कृति, सीम्स करेक्ट। आदित्य बच्चे 18 में से भी बाहर आ जाएगा कुछ, एंड आई डोंट थिंक कि रूट के बाहर 10 आएगा। रूट के अंदर की वैल्यूज को एक बार फैक्टराइज ठीक से करो। नो सौम्या, नॉट 72। ध्यान से करो, ध्यान से, जल्दीबाजी में मिस्टेक्स मत करो, आराम से करो बट सही करो। जो मैंने स्टेप्स बताए हैं फॉलो देम ओनली। यस तन्वी, करेक्ट। आर्यन नहीं बच्चे, इतना छोटा आंसर नहीं आएगा। यस वंश, करेक्ट। आस्था नहीं बच्चे। यस संस्कृति, योर्स इज ऑल्सो करेक्ट, आई टोल्ड यू इट्स करेक्ट। नो अर्नव, नो आस्था बच्चे, इतने सारे आंसर्स दोगे तो कैसे काम चलेगा, एक बारी में आंसर करेक्ट आना चाहिए। आदित्य उल्टा लिख दिया, आई आई थिंक आपने रूट के अंदर 12 है या 5 है। रूट के अंदर 12 है, नो सौम्या। चलो लेट मी शो यू नाउ, बहुत सारे आंसर्स आ गए मेरे पास, जिसमें से जिस जिसके सही थे उन
उनके सही हैं, जिसके नहीं है वो नहीं है। 15 के फैक्टर्स करो, 8 के फैक्टर्स करो, 6 के फैक्टर्स करो पीयूष, 1 को छोड़ दो। यस और नो? करेक्ट। चलो अब मैं आंसर्स नहीं देख रहा हूँ, सो स्टॉप सेंडिंग योर आंसर्स। सबने भेज दिए मोस्टली आंसर्स, एक्सपेक्ट आर ना। आर ना, वेयर इज योर आंसर? क्लास में हो या नहीं? जस्ट आंसर दैट फर्स्ट। रिस्पॉन्ड करो एटलीस्ट, वेदर यू आर सॉल्विंग योर क्वेश्चन और नॉट। सेंड, बच्चे मैं व्हाट्सएप नहीं देख रहा हूँ इस वक्त, आई डोंट हैव माई फोन विद मी। सो यहाँ पर आंसर बताओ मुझे कि आंसर क्या आया, फाइनल आंसर बता दो बस, वो मैं बाद में देख लूंगा। क्या आंसर भेजा था बच्चे? ये तो बहुत बड़ा आंसर है बच्चे। नहीं, चलो लेट मी शो यू। चलो ठीक है मुकुंद, नो इट्स नॉट करेक्ट। सबसे पहले हमने, जो मैंने बताया था कि ए बी सी से आप डिफाइन कर लोगे, लेट ए इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स, बी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर्स। आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, उससे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आप ये कहो कि सर हमने तो सी इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, डजेंट मैटर, आंसर कभी भी उससे चेंज नहीं होगा। नाउ सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। सो सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, जो कि आएगा 14 प्लस 7 21, 20 प्लस 1 प्लस 9 30, 30 अपॉन 2 क्या होता है 15। ये है सेमी पेरीमीटर। सो ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला। एस के प्लेस पर एस की वैल्यू पुट करी विच इज 15, एस के प्लेस पर 15, ए के प्लेस पर ए 7, 15 माइनस बी के प्लेस पर 9, देन 15 माइनस 14। फाइन, 15 एज इट इज, 15 माइनस 7 8 होता है, 15 माइनस 9 6 होता है, 15 माइनस 14 1 होता है। 1 लिखने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके सब यही हो जाएंगे। 15 हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 18 हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 8, सॉरी, एंड 6 हुआ 2 इंटू 3। अब इसमें से पेयर देख लो किस किस के बन रहे हैं। 3 का पेयर बन रहा है, यस बन रहा है, तो 3 बाहर आ गया। 5 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा। 2 का बन रहा है तो 2, 2 का बन रहा है एक और 2, और 5 का नहीं बना तो 5 अंदर रह गया। जिसका पेयर बना वो बाहर आया, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह गया। सो वी गेट 3 4 आर 12, √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। अब देख लो किस किस को कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हुई, किसकी मिस्टेक कहाँ पर हुई, देख लीजिए। इजी क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन ज्यादा गंदी नहीं थी। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं उसे और ट्राई करके देखो, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, यस आस्था, जो रूट के अंदर है उसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट एक्स क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा। वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल है तो हेरोंस का ही, बट वो दो टाइप से टीचर्स कराते हैं। मैं आपको सही वाला टाइप बताऊंगा, आप कहोगे कि सर अपना टाइप तो सही बताओगे, लेकिन एक्चुअली मेरा टाइप ही सही है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक,
ये थ्री साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। पहले आप ये देखकर बताओ कि किस टाइप का ट्रायंगल है। कैन यू रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई दिस ट्रायंगल? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रायंगल है, क्या आप इसका नाम बता सकते हो? यस आदित्य, यस आस्था, यस तन्वी, यस मुकुल, गुड। वंश देखो, इसमें टू साइड इक्वल है। टू साइड इक्वल होती है तो कैसा ट्रायंगल होता है? किसी ट्रायंगल की टू साइड इक्वल है एंड एक अनइक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यस संस्कृति। ऐसे ट्रायंगल्स को हम यस आर्य, आइसोसेलस ट्रायंगल बोलते हैं। यस उत्कर्ष, ठीक है वंश। ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड इक्वल हो एंड थर्ड साइड इक्वल ना हो उसको हम आइसोसेलस। तो इसका आप मुझे एरिया कैलकुलेट करके बताइए। यू हैव थ्री साइड्स, ट्राई टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सेम मेथड से, सेम स्टेप से, कोई भी चेंज नहीं होगा। आइसोसेलस होने से कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला वही लगेगा, पहले सेमी पेरीमीटर देन हेरोंस फॉर्मूला। सो ट्राई टू फाइंड आउट इट्स एरिया। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है लास्ट टाइम की तरह जिन बच्चों ने की थी। प्लीज ध्यान से करो, रूट की वैल्यूज जो हैं उनको देखो और बताओ मुझे अपने आंसर्स। यस संस्कृति, करेक्ट। मुकुंद नो, वंश करेक्ट, आस्था थोड़ा सा गलत है। ध्यान से देखो, रूट के अंदर की वैल्यू थोड़ी सी गलत है। वंश तुम्हारा करेक्ट है, मुकुंद तुम्हारा नहीं है करेक्ट। एक्सक्यूज मी, आदित्य ठीक है, मैं साइंस से थोड़ा कंफ्यूज हो गया बट इट्स करेक्ट। आर्यन नो, बच्चे आर्ना नो, ठीक से करो। पीयूष, रूट के अंदर की वैल्यू थोड़ी सी इनकरेक्ट है, चेक करो। यश नो, नो पीयूष। आस्था ठीक है, करेक्ट। उत्कर्ष नहीं, बच्चे
ज्यादा बड़ा हो गया ये आंसर। रूट के अंदर की वैल्यूज आई थिंक आप फैक्टराइज ठीक से नहीं कर रहे हो। यस तन्वी, करेक्ट। सभी ने आंसर दे दिए। आरना तुमने भी दे दिया, आस्था ने भी दे दिया, उत्कर्ष ने भी दे दिया, आदित्य ने भी दे दिया है। आदित्य ने दिया है, हाँ ठीक है, आदित्य का करेक्ट। चलो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ए की वैल्यू अगेन 12, बी की वैल्यू 14 एंड सी की वैल्यू 14। फाइन, सो एस की वैल्यू क्या होगी? 12 प्लस 14 प्लस 14 ओवर 2, दैट इज 20। 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 12 40, 40 ओवर 2 20। नो यश, देखो अब इधर देखो जो मैं कर रहा हूँ। वी हैव सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। नाउ एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो वी हैव एस के प्लेस पर 20, 20 माइनस 12, 40 सेंटीमीटर। क्या आस्था बच्चे? 40 सेंटीमीटर क्या? सेमी पेरीमीटर तो 40 का हाफ होगा ना। 20 माइनस 14, देन 20 माइनस 40। नो यश, 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 टूज आर 4, 5 आर 20। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 के फैक्टर, देखो 6 के फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पेयर बना हुआ है, तो हम क्यों जबरदस्ती अपनी मेहनत करें। तो 6 का पेयर बना हुआ है, 6 बाहर आ गया। 2 का पेयर है, 2 बाहर आ गया। एक और 2 का पेयर है, एक और 2 बाहर आ गया। और अंदर बचा ये जिसका पेयर नहीं बना, और एक बचा ये 2 जिसका पेयर नहीं बना। सो वी गेट 6 टू जार 12, 12 टू जार 24, रूट 5 टू जार 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मोस्टली सभी के आंसर्स करेक्ट थे, 3 और 4 को छोड़कर। आई होप आपको अपनी मिस्टेक पता चल गई होगी कि कहाँ पर करी है। सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई होगी इसमें। आप या तो वैल्यूज गलत पुट कर रहे हो या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक। इसमें समझने वाला कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि हम वो भूल गए थे। जब आपके सामने फॉर्मूला है तो आप भूल नहीं सकते हो। आपको सिर्फ दो ही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, एक सेमी पेरीमीटर का और एक एरिया का। 6 को कर भी लोगे पीयूष, जब 6 के पेयर बन रहे हैं तो हम क्यों चेंज करें? आप कर भी लोगे, 6 को 2 × 3 लिख दो, 2 × 3 लिख दो, है ना? तो 3 का भी पेयर बन जाएगा, 2 का भी पेयर बन जाएगा। तो बाहर तो क्या आएगा? 2 × 3 6 ही बाहर आएगा। जिसका पेयर बन रहा है उससे करने की जरूरत नहीं है। क्यों कैलकुलेशन बढ़ानी? नहीं, जरूरी नहीं है। आस्था हमेशा रूट में आए, बिना रूट का भी आ सकता है। अगर आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो पीयूष, लेकिन जब पेयर बन रहा है तो हम क्यों कैलकुलेशन फालतू में एक्स्ट्रा करें, है ना? हम फैक्टर्स तब करते हैं जब हमें उनके पेयर नहीं दिखाई देते। अगर आपको कोई पेयर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है तो डू नॉट चेंज दैट। आप उसका बस एक एलिमेंट बाहर निकाल लो, सिंपल। तो हेरॉन्स फॉर्मूला तो समझ आ गया कि क्या होता है और कैसे इसके इससे हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। इसमें तो किसी को कोई इश्यू नहीं है। यू नीड टू फाइंड आउट सेमी पेरीमीटर, देन यू नीड टू फाइंड आउट एरिया। कैलकुलेशन मिस्टेक्स वो आपको देखनी है कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, मिस्टेक्स ना करो, ठीक है? तो इसके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के।